तेरी तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह। इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए और नॉलेजिएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें टेक्निकल अनीश को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप भी कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम काइन मास्टर है। इसे आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, जैसे हम इसे ऐप को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो हमें न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें रेशियो सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है अपने स्टेटस का साइज। तो हमें 9:60 रेशियो पर क्लिक करके क्रिएट, उसके बाद दोस्तों हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो हमें बैकग्राउंड चुनने के लिए आ जाएगा। तो पहले वाले आप सब पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ब्लैक कलर बैकग्राउंड को चुन लेते हैं और इसके लेंथ को अपने स्टेटस के अनुसार बढ़ा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें वीडियो के प्रारंभ में आ जाना है और हमें बैक आ जाना है सिंपली। उसके बाद हमें लेयर वाले आप सब पे क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया वाले आप सब पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमें एक PNG लेना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उस PNG को सिंपली हम पिन कर और स्प्रिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसे फुल स्क्रीन कर देते हैं। दोस्तों इस PNG को क्लिक करते हैं, इसके लेंथ को भी हम उतना बढ़ा लेते हैं जितना हमें अपने स्टेटस वीडियो को बढ़ाना है। तो सिंपली हम बैक आते हैं, फिर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पे जाते हैं। दोस्तों अब हमें एक फ़ोटो लेना है जिसका बैकग्राउंड पहले से ही रिमूव हो। दोस्तों आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता एक क्लिक में, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है उसे में जाकर सीख लेंगे। दोस्तों हम इसके बाद ब्लेंडिंग वाले एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, उसके बाद इसके कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा 20 कर देते हैं, 24। उसके बाद सेचुरेशन को भी हल्का सा 21 इस तरह से करके बैक आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद इसको इनेबल कर मास्क को इनेबल करके हल्का सा इसको कुछ इस तरह से लगभग 20 कर देंगे। उसके बाद सिंपली हमें बैक आना है। बैक आने के बाद हमें ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद इसके स्क्रीन को हमें डार्केन करके कुछ इस तरह से इसके ओपेसिटी को हल्का सा डाउन कर देना, लगभग 85 कर देना है हमें। उसके बाद सिंपली बैक आके इसको कुछ इस तरह से जूम कर देना है। जूम करने के बाद सिंपली हमें इसके लेंथ को खींच करके अपने स्टेटस के लास्ट तक कर देंगे। उसका दोस्तों हमें एक लाइटी टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूँ। फिर मीडिया पे जाते हैं, लेयर पे जाते हैं और इस टेम्पलेट को हम ले लेते हैं। तो हम इस टेम्पलेट को कुछ इस तरह से सेट करके यहाँ तक सेट कर देते हैं और इसको ईच करके फुल स्क्रीन कर देते हैं कुछ इस तरह। उसके बाद हमें मिक्सर वाले ऑप्शन पर जाना है, इसके साउंड को म्यूट करके या ज़ीरो कर देना है और सिंपली बैक आना। उसके बाद हमें ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और इसे चौथे नंबर क्लिक कर स्क्रीन कर देना है। उसके बाद सिंपली हमें बैक आना है। अब हमें वाइट कलर बॉर्डर इमेज को लेना है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उसे आप जाकर के सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हमें स्प्रिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी फुल स्क्रीन करके बैक आ जाते हैं। उसके बाद हम ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं और इसे भी स्क्रीन कर देते हैं जिस तरह से, और इसको हम क्लिक करके इसके भी लेंथ को हम वीडियो के लास्ट तक कर देंगे। सिंपली हमें बैक आना है। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से मीडिया पे जाना है, लेयर पे जाना है और अब हमें एक टेक्स्ट पे जाना है और हमें कुछ इमेज को सेट करना है जिस तरह से। उसके बाद इसको कुछ इस तरह से जूम करके बीचों बीच सेट कर देंगे। उसके बाद इसके लेंथ को भी हम वीडियो के लास्ट तक कर देंगे। सिंपली हमें बैक आना है। उसके बाद अब दोस्तों हमें ड्रैग ड्रॉप टेम्पलेट लेना है जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे आप जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेंगे जिस तरह से। उसके बाद हमें मिक्सर वाले ऑप्शन पे जा करके इसके भी साउंड को म्यूट करके या शून्य कर देना है। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, बैक आना है। उसके बाद हमें ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और उसके चौथे नंबर क्लिक करके इसको स्क्रीन कर देना है। उसके बाद हमें बैक आना है। सिंपली बैक आने के बाद अब दोस्तों हमें MP4 म्यूजिक टेम्पलेट लेना है, उसका भी लिंक चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, आप इसी गाने को लगा सकते हैं। उस पर क्लिक करके हम इस तरह से, उसके बाद हमें
स्प्लिट ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद हमें भी इसको भी स्क्रीन करके कुछ इस तरह से हमें इसके साइज को बढ़ा करके कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। फाइनली दोस्तों हमारा वीडियो बन के स्टेटस वीडियो तैयार हो गया है। अब इसे यहाँ पे आप कॉर्नर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप जिस भी रेशियो में चाहते हैं उसे सेव कर चाहते हैं। तो हम इसे 1080p पे और 30 रेशियो पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसे हम सेव कर लेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।